हो बातें। गए उधर हो गए, कुछ लेने अम्मी ने कह दिया दही और दूध और ले आओ ये भी, तो मेट्रो का यही सीधा ट्रैक सीधा डायरेक्ट पहुंच जाओ तो सीधा यार। ट्रैक। वही बात आ गई कि इंडिया हाँ में प्रोजेक्ट जब ज्यादा होते हैं ना तो ज्यादा होते हैं बेरोजगारी मतलब रोजगारी बढ़ती है, बिल्कुल, वो उसने भी बोला था ना वहां पे, बेरोजगारी कम होती है। रोजगारी बढ़ती है बेरोजगारी कम होती हाँ है। वेलकम बैक टू आवर चैनल, इट्स मी सहर, इट्स मी बिलाल मुगल, वी आर बैक विद एन अदर अमेजिंग वीडियो। वीडियो। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट पे रिएक्शन करें। आई थिंक आज ही इनका इफ्तिताह हुआ है, मोदी जी ने इसका इफ्तिदा किया है। हर जगह पे मेट्रो, हर सिटी पे मेट्रो, इंडिया में मेट्रो मेट्रो ही है। आज वीडियो को देखते हैं, कुछ मे बी इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव हमें कुछ चीज़ें मिल जाएं, कुछ डिफरेंट देखने कुछ को मिल डिफरेंट जाए। देखने को मिल जाए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाद में आपको फीडबैक देते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार फीडबैक ना दो, तुम कौन होते हो फीडबैक देने वाले? यार पता नहीं अब इसको फीडबैक कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, बहरहाल रिएक्शन कर लें। रिएक्शन कह लें, वीडियो के बाद देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देश की तरक्की के लिए जरूरी है विकास की तेज रफ्तार। विकास की इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2014 से देश में मेट्रो रेल सेवाओं का विस्तार तीव्र गति से हो रहा है। प्रधानमंत्री की ईज ऑफ लिविंग संकल्पना के तहत शहरी जीवन की गुणवत्ता सुधारने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर करने और प्रदूषण मुक्त यात्रा के साधन के तौर पर मेट्रो की परियोजनाओं को गति दी गई। साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी, आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा वो है। तेरी 18 वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। वर्ष 2014 के पहले जहां देश के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, तो वहीं आज 18 शहरों में मेट्रो का विस्तार हो चुका है। केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद से देश के किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा 5 शहरों में मेट्रो परियोजनाएं आगे बढ़ी। बीते 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण शहरों लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 83 किलोमीटर मेट्रो के संचालन के आरंभ के बाद कानपुर और आगरा शहरों के साथ मेरठ को राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली आरआरटीएस परियोजना के तहत 131 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। कानपुर में 15 नवंबर 2019 को मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। इसके बाद से ही आईआईटी कानपुर से मोती झील के बीच 9 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर अत्यंत तीव्र गति से निर्माण कार्य हुआ। 2 साल से भी कम समय में 10 नवंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल हुआ। कोविड की 2 लहरों की गंभीर चुनौती के बीच भी काम की गति को उत्तर प्रदेश मेट्रो की टीम ने बनाए रखा। प्रायोरिटी कॉरिडोर के सभी 9 स्टेशन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम रेटिंग से प्रमाणित हैं। गुरुदेव चौराहे पर स्थित कानपुर मेट्रो डिपो अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय है। कानपुर मेट्रो परियोजना के अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से युक्त 3 कोच वाली मेट्रो ट्रेन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुजरात के सावली में निर्मित है। कानपुर वासियों के लिए आज ऐतिहासिक क्षण है जब कानपुर मेट्रो का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। कानपुर में मेट्रो रेल शुरू होने से शहरी परिवहन न सिर्फ सुगम और सुरक्षित होगा बल्कि शहर के प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। कानपुर वासियों की जीवन शैली में बदलाव होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग जन को यातायात का सुरक्षित साधन प्राप्त होगा। 2024 तक दोनों कॉरिडोर्स के निर्माण के बाद लगभग 9.4 लाख कानपुर वासियों के मेट्रो के सफर का आनंद लेने का अनुमान है। सबसे ज्यादा परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश मेट्रो के मामले में सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल होकर मेट्रो प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। सोच ईमानदार, काम दमदार।
तो दोस्तों वीडियो हो चुका है एंड यार इसमें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था मेट्रो का। सबसे पहले तो मुझे इनकी जो मेट्रो का वो डिज़ाइन है वो बड़ा यूनिक मज़े का क्लासी टाइप बहुत अच्छा लगा यार। वो मतलब बहुत प्यारी लग रही है सीरियसली। मतलब इस तरह की चीज़ों में फिर खुद ही दिल करता है कि यार ट्रैवल कर रहे हैं यार, मतलब एक दिली खुशी होती है। तो आई नो कि यार आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी अच्छी खुशी की बात है, प्राउड नेशन हो आप लोग यार कि 2014 में जब मोदी जी आए तो 5 सिटीज़ में थी, उनके आने के बाद 18 सिटीज़ में इन्होंने लॉन्च किया मेट्रो, 13 सिटीज़ और ऐड हो गई। तो भी इसके बावजूद वो कंटिन्यूसली काम पे काम करी जा रहे हैं, ट्रेन्स बनाए जा रहे हैं। आई थिंक फास्ट इसलिए चल रहा है कि इंडिया में खुद बेसिकली ट्रेन बनाते हैं, सही है, किसी से इम्पोर्ट नहीं करते, इंजीनियर्स इनके अपने हैं, इसलिए इनको मसला मसाइल नहीं आता। आता होगा लेकिन जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि यार इंजीनियर्स अपने हैं, मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, खुद बना के खुद कर रहे हो यार, बहुत बढ़ गए आगे सीरियसली यार। मेट्रो बनती है वहाँ की एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, जो बेरोजगारी है उनको रोजगारी मिलती है, मौका मिलता है। एग्जैक्टली तो उसमें देखा जाए जैसे उन्होंने अभी वीडियो में बताया, इससे पोल्यूशन का मे भी हो सकता है कि खात्मा हो जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि यार इतने ज्यादा लोग, ठीक है, हर एक बंदा ऑटो पे जा रहा है, टैक्सी पे जा रहा है, बाइक पे जा रहा है तो वो रश में जा, मतलब एक तो हजूम इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ती जाएगी धुओं से, तो जिसकी वजह से रश बढ़ता जाएगा। तो मे बी बनाने का मकसद यही है कि यार वो सब लोग बेसिकली, अगर मैं अगर देखूँ तो मैं बाइक कभी नहीं निकालूंगा, गाड़ी नहीं निकालूंगा कि यार मैं जाऊँगा रश में फंस जाऊंगा। तो यार ठीक है, यहाँ से ऑटो पकड़ा, स्टेशन पे गए, मेट्रो लिया, वहां पे पहुंच गए। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो यार सीरियसली बीच में कहीं स्टे नहीं होता, जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे जाना है सीधा डायरेक्ट पहुंच जाओ। तो यार अगर हम खुद ट्रैवल करते हैं, बीच में इशारे भी आते हैं, रुक जाते हैं, इधर हो गए उधर हो गए, कुछ लेने अम्मी ने कह दिया दही और दूध और ले आओ ये भी। तो मेट्रो का यही है कि आई थिंक आप जहाँ पे जाना चाहते हैं 10 से 15 मिनट में अपनी जगह पे इजीली पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली तो काफी चीजें, जैसे कि मेट्रो नहीं है कि जैसे मेट्रो बन गई तो मेट्रो, हाँ। मेट्रो से साथ जुड़ी चीजें, दूसरी चीजें, काफी चीजों को भी देखना चाहिए, बिल्कुल जिससे फायदे होते हैं दूसरों बिल्कुल को भी। तो यार वैसे तो दिल्ली मेट्रो, हर सिटी का मेट्रो यार अमेजिंग होता है, आप लोग का स्टेशन अमेजिंग। होपफुली इसमें अभी स्टेशन वगैरह तो नहीं दिखाए, होपफुली जल्दी कोई ना कोई हमें वीडियो मिल जाएगी। आप लोग सजेस्ट करें अगर कोई इस पे कोई वीडियो बनी हो तो हम जरूर उस पर रिएक्शन करेंगे, हम उसको जरूर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज ये था आज का हमारा रिएक्शन वीडियो, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, पता नहीं लगा या नहीं लगा। तो गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, वही बात है, ये मैं रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ, एंड पे लगा दिया करूँगा कि बार बार मुझे कहना पड़ता है चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी करें। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, अल्लाह हाफिज़।